टुडे आई है सॉलिड फॉर्म एंड ऑल्सो फाइंड इट्स वॉल्यूमर टू क्यूब्स ऑफ साइड सिक्स सेंटीमीटर आर ज्वाइंड ये देखिये दो क्यूब है मान लीजिए सिक्स सेंटीमीटर का एक ये क्यूब है ये सिक्स सेंटीमीटर है और दूसरा भी सिक्स सेंटीमीटर का क्यूब है इसके साइड्स दिए हैं तो जब दो क्यूब को ज्वाइन करेंगे तो देखिए ये क्यूबाइड फॉर्म करेगा तो आंसर हो गया क्यूबाइड इज फॉर्म पहला आंसर इसका लेंथ क्या हो जाएगा लेंथ इज इक्वल टू सिक्स प्लस सिक्स लेंथ बढ़ जाएगा विड़थ वही रहेगा सेम रहेगा और हाइट भी सेम रहेगा क्योंकि जो वेड़ और हाइट रहेगा वो सेम आपका रहेगा तो क्यूब का जो वर्थ होगा और हाइट होगा वो आपका सिक्स सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि दोनों सेम होंगे केवल लेंथ चेंज होगा तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि व्हेन टू क्यूब्स आर ज्वाइंट देयर लेंथ शुड बी इंक्रीजेस एंड ब्रिथ एंड हाइट विल बी सेम तो यहां पे लेंथ हो गया 12 सेंटीमीटर ब्रिथ हो गया सिक्स सेंटीमीटर और हाइट हो गया सिक्स सेंटीमीटर सॉलिड बना क्यूबाइड तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबैड आप जानते हैं Length है 12 सेंटीमीटर थर्टी 6 सेंटीमीटर 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 इट्स कम्स आउट 432 क्यूब क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब ठीक है तो ये आंसर हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर होता है यूनिट क्यूबिक यूनिट है तो यहाँ पे सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड क्वेश्चन फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबैड वॉल्यूम इज आप एरिया ऑफ बेस भी कह सकते हैं देखिये वॉल्यूम ऑफ एनी फिगर होता है एरिया यह है एरिया अगर बेस जो है वायर टाइप ये रेक्टेंगल है तो एल इंटू बी इंटू एच हो जाता है अगर सर्कल है तो पाईआर स्क्वायर एच हो जाता है मतलब मेन फार्मूला है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट एल इंटू बी को एरिया ऑफ बेस कह सकते हैं एरिया ऑफ बेस दिया है ट्वेंटी सेंटीमीटर टू सेवेंटी फाइव को ट्वेंटी फाइव से डिवाइड करेंगे तो इलेवन आ जाएगा तो हाइट ऑफ क्यूब क्यूब आ गया 11 सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री द डायमेंशन ऑफ ए बॉक्स आर 60 सेंटीमीटर बाय 54 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स ऑफ साइड सिक्स सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द बॉक्स यहां देखिए डायमेंशन ऑफ बॉक्स दिया है 60 सेंटीमीटर सेंटीमीटर बाय बाय 54 वॉल्यूम ऑफ बॉक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल क्यूब स्मॉल क्यूब का एक वॉल्यूम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा साइड क्यूब एल है तो कैंसिल कर दिए तो आ गया आपका टेन इंटू नाइन इंटू फाइव दट इज फोर हंड्रेड फिफ्टी क्यूब एंसर हो गया फोर हंड्रेड फिफ्टी क्यूब कैन बी प्लेस्ड इन दॉक्स क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर इफ इच एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस हाउ मेनी टाइम्स इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस देखिये यहां मान ली कि क्यूब का जो एज है वो शुरू में एक्स है तो लेट एज ऑफ क्यूब भी एक्स तो सर्फेस एरिया हम जानते हैं सिक्स इंटू साइड स्क्वायर मीन सिक्स एक्स स्क्वायर

वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम क्यूब शुरू में देखिये जब जो है सेम है न्यू वॉल्यूम टू एक्स साइड हो गया तो टू एक्स का क्यूब टू एक्स मीन्स एट एक्स क्यूब एट टाइम्स पहले का एक्स क्यूब था और एट इन टू हो गया तो मतलब एट टाइम्स तो वॉल्यूम बिकम्स एट टाइम्स नौ क्वेश्चन नंबर फाइव मैच बॉक्स मेजर फोर सेंटीमीटर बाइ ट्वेंटी टू पॉइंटी क्यूबेट इज फिफ्टीन सेंटीमीटर क्यूब यह वन मैच बॉक्स का वॉल्यूम आ गया अब आपको पैकेट वॉल्यूम ऑफ पैकेट निकालना है तो पैकेट में 12 मैच बॉक्स है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 इंटू ट्वेल्व उट वन हंड्रेड एट्टी सेंटीमीटर क्यूब एंसर हो गया वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग ट्वेल्व सच बॉक्स इज वन हंड्रेड एट्टी सेंटीमीटर क्यूब नेक्स्ट क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज वन थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज गिवेन वॉल्यूम ऑफ क्यूब वन थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब एंड वीनो द फॉर्मूलाइड क्यूब तो साइड क्यूब इज इक्वल टू थाउजेंड को हम लिख सकते हैं टेन का क्यूब देयर फोर साइड टू टेन सेंटीमीटर तो साइड आ गया टेन सेंटीमीटर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है सिक्स इंटू साइड स्क्वायर तो सिक्स इंटू टेन का स्क्वायर तो सिक्स इंटू हंड्रेड हो गया टेन का स्क्वायर तो सिक्स हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि सेंटीमीटर में है और यूनिट होता है एरिया का स्क्वायर यूनिट तो सिक्स हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर इट इज अवर आंसर अगला क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी प्लैंक्स ईच ऑफ मैनी प्लानी लॉन्ग टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ब्रॉड एंड फोर सेंटीमीटर थिक कैन बी कट ऑफ फ्रॉम ए वुडन ब्लॉक सिक्स मीटर लॉन्ग फिफ्टीन सेंटीमीटर ब्रॉड एंड फोर्टी सेंटीमीटर थिक देखिए यहाँ वुडन ब्लॉक से प्लैंक को कट करना है तो हम क्या करें वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक निकाल लें वॉल्यूम ऑफ प्लैंक निकाल लें डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा कितने प्लैंक्स बनेंगे तो यहाँ प्लैंक्स के लिए लेंथ दिया है टू मीटर और ब्रिथ दिया है टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं ये ध्यान देना होता है तो लेंथ है टू मीटर मींस टू हंड्रेड सेंटीमीटर आ गया ब्रिथ टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर हाइट फोर सेंटीमीटर इसी तरह वुडन ब्लॉक का लेंथ दिया है सिक्स मीटर मींस सिक्स हंड्रेड सेंटीमीटर और ब्रिथ है फिफ्टीन सेंटीमीटर और हाइट है फोर्टी सेंटीमीटर तो नंबर ऑफ प्लैंक्स क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच एल है और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक का लेंथ है टू हंड्रेड इंटू ब्रेथ पॉइंट फाइव इंटू हाइट है फोर तो टू हंड्रेड इंटू टू पॉइंट फाइव इंटू फोर सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया अब सिंप्लीफाई कर दिए तो आ गया वन हंड्रेड एट्टी प्लैंक्स इसको यहाँ पे कट कर लेंगे अपने से तो वन हंड्रेड एट्टी प्लैंक्स नंबर ऑफ प्लैंक्स आ गया 180 आंसर हो गया हाउ मेनी प्लैंक्स कैन बी कट ऑफ तो 180 प्लैंक्स कैन बी कट ऑफ अब आइए क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं थ्री सॉलिड मेटल क्यूब्स विच एजेस सिक्स सेंटीमीटर एट सेंटीमीटर एंड टेन सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टुगेदर एंड फॉर्म इनटू ए सिंगल क्यूब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब तो देखिए वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब जब भी मेल्ट करके बनाया जाए तो न्यू क्यूब का वॉल्यूम उन तीनों जो भी जितने भी क्यूब को मेल्ट किया गया है उन तीनों के प्लस के प्लस बराबर हो जाएगा तो हम वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब निकाल लें वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब निकाल लें वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब निकाल लें और तीनों को प्लस कर दें वही हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड का न्यू क्यूब का तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू भी वन प्लस वी वन हम मान लिए कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब है भी टू सेकेंड क्यूब का वॉल्यूम भी थ्री थर्ड क्यूब का वॉल्यूम वॉल्यूम का फार्मूला है साइड क्यूब तो सिक्स सेंटीमीटर का क्यूब प्लस एट सेंटीमीटर क्यूब प्लस टेन सेंटीमीटर का क्यूब दैट कम्स टू हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब प्लस फाइव हंड्रेड ट्वेल्व सेंटीमीटर क्यूब प्लस वन थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब दैट कम्स आउट वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी एट सेंटीमीटर क्यूब तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब आ जाएगा वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी एट सेंटीमीटर क्यूब क्वेश्चन नंबर नाइन फाइंड दॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हू सर्फेस एरिया इज वन हंड्रेड फिफ्टी मीटर स्क्वायर देखिए सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब दिया है सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब मतलब टोटल सर्फेस एरिया जब भी दियारिया केवल बात करे मीन टोटल सर्फेस एरिया तो टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब इज गिवेन मीटर स्क्वायर विनो द फॉर्मूला ऑफ टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज सिक्स इंटू साइड स्क्वायर इंटू साइड स्क्वायर इज टू वन हंड्रेड फिफ्टी साइड स्क्वायर इज टू वन फिफ्टी डिवाइडेड बाई सिक्स तो 25 आ गया तो साइड स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी स्क्वायर साइड इक्वल टू फाइव मीटर मीटर है तो मीटर ठीक है तो फाइव मीटर तो साइड आ गया फाइव मीटर तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब तो साइड आया है फाइव मीटर तो फाइव मीटर का क्यूब दैट इज वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मीटर क्यूब ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं फाइन द वॉल क्यू वन फेस ऑफ विच है स्क्वायर देखिए दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही है लेकिन अंतर यहां है कि यहां वन फेस का एरिया दिया है वहां टोटल सरफेस एरिया दिया था एरिया ऑफ सरफेस टोटल सरफेस एरिया दिया था तो सिक्स सरफेस होते हैं तो सिक्स इंटू साइड स्क्वायर वन फेस का दिया है तो वन इंटू साइड स्क्वायर मतलब आपको एरिया ऑफ वन फेस दिया है एट्टी वन मीटर स्क्वायर

क्यूब तो आंसर हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज 729 मीटर क्यूब इट इज अवर आंसर